खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। आयनह गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदारण तरण गगन नव खंड मह ज्योत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कश भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर गुरु अर्जन आ जुमला जूदो फसा हकीकत पे हो हिंद हक्के जमाल पहला मरण कबूल जीवन की षड आसो हो सबना की रेणुका दो आओ हमारे पासो सजन सच्चा पातशाह सिर शाहांद शाह जिस पास बैठिया सोही आए सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा कार तीजा चौपदे एक ओंकार सत गुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदार हो नह पतियाया उमराव हो आगे चेरा मिल राजन राम नबेरा मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदार हो नह पतियाया उमराव हो आगे चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कत हो ना जाई गोविंद भेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिटी पुकारा लबद अपनी पाई ता कत आवे कत जाई
तह साच न्याय नबेरा उहां सम ठाकुर सम चेरा अंतर जामी जाने बिन बोलत आप पशान सर्ब थान को राजा तह अनहद शब्द अगाजा तिस पह क्या चतुराई मिल नानक आप गवाई तिस पह क्या चतुराई मिल नानक आप गवाई। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, आप वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं श्री गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे दर्शन इशनान करन दा सुभाग प्राप्त होया है। श्री गुरु रामदास पातशाह जी दे चरणा विच आप संगतां हाजरीन हो अकाल पुरख दे सरगुण स्वरूप श्री गुरु नानक दे महाराज जी दे शब्दा अवतार श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे प्रकाशवान हो के जो श्री मुखवाक साढ़े भले हित बख्शते हैं, आओ उस पवित्र फुरमान की कथा विचार श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पवित्र स्थान गुरद्वारा दीवान हाल मंजी साहिब विखे सरवण करना करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा कार तीजा जाओ पादे एक ओंकार सत गुर प्रसाद। तन तन श्री गुरु अर्जन देव साहिब सच्चे पातशाह जी का यह पवित्र फुरमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 621 अंग उपर सुभाए मान है। रागी सिंघां लई तीजे घर सुरताल विच गाउण दा हुकम है। सोठ राग दे विच ए पाक शब्द ना चौवां पदियां वाले ने अपने इष्ट देव अकाल पुरख दा पहला गुरु अर्जन साहिब पातशाह मंगल करदे ने। एक ओंकार परमात्मा एक है, सबना दा प्रकाशक है। सत गुर भाव सत स्वरूप है, सदीवी है, सबना नूं ज्ञान बख्शन वाला है। ज्ञान बख्श करके अग्ञान दा नाश करता है। प्रसाद तो भाव है कृपालू बड़ा है, दयावान बड़ा है, झोलियां भरन वाला है। दूसरा भाव है वो जो एक परम ईश्वर है सतगुरु प्रसाद गुरु नानक साहेब। दसों पातशाहियां गुरु ग्रंथ साहेब की कृपा दे सदका
प्राप्त हुंदा है। मिल पंचहु नहीं सहसा चुकाया। गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह इथे मनुखे जामे अंदर जो साडे जीवन विच भरम ने वहम ने जो विकारां दा भय है जो अज्ञानता है उस दे खात्मे बाबत समझाउंदे ने भी अकाल पुरख दा नाम ही वहमां भरमां नूं विकारां नूं रोगां सोगां नूं खत्म करन वाला है। महाराज कहिंदे इह जिहड़ा विकारां दा भरम है सहसा है इह जिहड़ी विकारां दी चिंता है फिकर है दुखां विच जीवन जो डुब रहा है जो जीवन दे विच चिंतावां ने डिप्रैशन है सो कहिंदे इहदी निवृत्ति दे लई जिहड़े पंच सन पंचां तों भाव है जो मनुखता विच मुख हुंदे ने जो आगू ने जिवें आपां पिंड विच कह दिंदे ना भी इह पंचायत विच आ नौ मैंबर ने ते आ दसवां पंच है आगू है सरपंच है सो बड़े बड़े विद्वान पुरशां कोल भी इह जगयासुआं ने परमेश्वर की प्राप्ति करन वालियां ने भेद अपने रखे ने भी किवें विकारां तों मुक्ति हो सकती है किवें चिंतावां मुक सकदियां ने पर महाराज कहिंदे ऐसे जिहड़े मुखी सज्जण सन पंडित जन सन विद्वान जन सन उन्होंने भी विकारां तों बंद खलास नहीं कीता उन्होंने भी ये शंकियां दी निवृत्ति नहीं कीती। सिकदारोह नह पतियाया। बड़े बड़े जिहड़े सिकदार ने भाव सरदार ने जिवें ज्योतिषी लोक ने लोक अपने रोगां सोगां दी निवृत्ति लई उन्हां कोल भी जांदे ने पर महाराज कहिंदे जितना चाहे जतन कर लवो पतियाया दा भाव है फिर भी तसली नहीं मिलेगी इह ज्योतिषी आदक भी तुहाडे रोग सोग मिटा नहीं सकदे जगयासु दा मन पतीजेगा नहीं उसदे मन नूं इह हौसला नहीं मिलेगा तसली नहीं मिलेगी भी शायद इन्हां दी शरण विच बंद खलासी हो जावे। महाराज कहिंदे इस तरह दा कुछ नहीं वापरदा। हुमराव हो आगै चेरा। अच्छा हुण उमराव हुंदे आ जिहड़े मनुखता दे विच रईस ने राजे ने हुण धार्मिक दुनिया दे विच आपां वड्डे किन्हां नूं कहिंदे आ मनुखता विच ते हो गए पंडित ओह ते हो गए चलो सिकदार सरदार उन्हां तों अगे जिहड़े देवते ने रहबर ने कहिंदे बड़े बड़े देवतियां दे अगे भी इह मन दे भेद रखे ने पर महाराज कहिंदे उन्हां कोलों भी संसा निवृत्त नहीं होया उन्हां कोलों भी साडियां चिंतावां दा खुरा खोज नहीं मिटिया देवतियां अगे भी पेश हो के देख लिया है सो विकारां तों रोगां सोगां तों खलासी नहीं मिली जीवन पदवी हासिल नहीं होई निजात 84 लख जून तों हासिल नहीं होई। मिल राजन राम नबेरा। ये जिहड़े राजियां वर्गे ठाठ बाठ रखण वाले देवते ने उन्हां दा भी जिहड़ा राजा है जो अकाल पुरख है परमेश्वर है कहिंदे ओही इस झगड़े नूं नबेड़ सकदा है ओही सानू विकारां पासों रख सकदा है ओही साडे भरम वहम चिंतावां रोग सोग मिटा सकदा है ओहदे तों लहदा। महाराज कहिंदे ने काम आदक वैरियां दा संसा नहीं मुकेगा डर नहीं मुकेगा उस परमेश्वर दी शरण तों बिना होर किधरे भी मुक्ति
हासिल नहीं हो सकती। अब ढूंढन कतहु ना जाई। देखो महाराज कहिंदे ने परमात्मा दा दर ऐसा है जेड़ा उसकी शरण चलिया जांदा है जिसनू वो शरण दे विच रख लवे जेदे ते वो कृपा कर दवे फिर कहिंदे उस दर नू छड के होर किसे भी मुरशद की खोज विच नहीं निकलीदा क्योंकि उत्थे सब कुछ मिल जांदा है। मंगना मुक जांदा है, चोलियां भर जांदियां ने, फिर किसे भी मुखी जन नू, पंच जन नू, सत पुरश नू, दैविक ताकतां दे मालक नू लभण दी लोड़ नहीं है। फिर मन इधर उधर भड़कदा नहीं है, उस सच्चे दर ते जदों चलिया जांदा है। जिवें कलगीधर पातशाह ने दसम बाणी विच कहा है ना, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक ना जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे ऐ अकाल पुरख जदों दे तेरे चरण फड़े ने होर किसे दर उत्ते झुकना ते दूर, मेरी नदर भी किसे होर दर ते नहीं चुकी, सिर ते की चुकाउणा है मैं। सो जेड़ा उहदे चरण पकड़ लैंदा है उहदा दर दा हो जांदा है, उहदा मंगणा मुक जांदा है, उहनूं फिर इधर उधर भटकना नहीं पैंदा, चोली नहीं किसे अगे अड़नी पैंदी। गोबिंद भेटे गुर गोसाई। हुण परमेश्वर किवें मिलदा है? कहिंदे जदों पूरे गुरु मिलदे ने। देखो किसे भी मंजिल ते पहुंचना है मील पत्थर चाहीदा है। अकाल पुरख दे सरगुण स्वरूप गुरु नानक साहिब गुरु रामदास आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, ऐसे जदों पूर्ण गुरु मिले ने, गुरु दी शरण ग्रहण कीती है, गुरु साहिब ने अपने निर्गुण स्वरूप परमेश्वर दे दिदारे भी करवा दिते ने। सो जदों पूर्ण गुरु दे चरण पकड़ लईए परमेश्वर दी प्राप्ति हो जावे फिर मन टिकदा है, मन दी भटकना मिट जांदी है। वेखो जे कोई इच्छा अधूरी रह जावे गुरु दे दर ते फिर ही मन भटकेगा ना। कहिंदे सर्ब इच्छावां दी उह पूर्ति कर दिंदा है, भटकना मुक जांदी है। अगे विश्राम दे के फरमाउंदे हन, रहाउ आया प्रभ दरबारा। कहिंदे जदों तो मैं प्रभु दे दरबार विच आया हाँ, सत संगत विच आया हाँ, जिथे प्रभु दी उस्तति चलदी रहिंदी है, उदों तो पातशाह अगे फिर फुरमान करदे हन, ता सगली मिटी पुकारा। कहिंदे उहदे दर ते जिहड़ा इंसान सजदा करदा है, सिर झुकाउंदा है, जिहड़ा गुरु दी संगत विच आ जांदा है, उदे जीवन दे विच जितने भी शंके ने, जितनिया भी उसदिया इच्छावां ने, मंगा ने, जितनी भी वह पुकार करदा सी होरां दरां ते जाके वह मिट गई। हुण वह किधरे जाके झोली नहीं अड़दा, वह कोई पुकार नहीं करदा, उहनूं कोई शिकायत नहीं रही जीवन च, सब कुछ झगड़े ये संसे ये रोग ये सोग सब महाराज कहिंदे ने मुक गए ने। गुरु दा दर ऐसा है, लबद अपनी पाई। लबद दा भाव एक ते ए है जो लब रहे सी वह मिल गया, वह लब लिया है। लबद दा दूसरा भाव प्रालबद भी है, जो पिछे असी कर्म कीते ने, जो अज कीते ने, पिछले पलां विच कीते ने, इदां ही जन्मां जन्मांतरां विच जो पिछे कीता है। गुरु साहिब कहिंदे ने जदों जग्यासु गुरु दी शरण ग्रहण करदा है परमेश्वर दी प्राप्ति उसनूं हुंदी है। यही मनुखे जामे दा फल है, यही मनुखे जामे दी खोज सी, जदों हासिल हो गया, जदों
प्राप्त हो गया जो साडा स्वरूप भी है साडे अंदर जोत बन के भी समाया है। महाराज कहिंदे फिर मंगणे मुक गए हन ताकत आवे कत जाई। जेड़ा मन कदे इधर उधर दौड़दा सी ना हुण किधरे नहीं जांदा क्योंकि परमात्मा इस विच प्रगट है जिस कारण इसकी भड़कना मुक गई है। हुण विकारां दे ढए नहीं चढ़दा मन अगे विकारां विच इधर उधर दौड़दा सी परमात्मा की कृपा दे सदका टिक गया है। तह साच ने आए नबेरा। महाराज कहिंदे ओ इको एक दुनिया का ऐसा दरबार है परमात्मा की सभा सतसंगत गुरु की सभा कहिंदे जिथे सच्चा न्याय हुंदा है। दुनियावी अदालतां विच ते आपां वेख्या है कतल कोई करदा है सजा किसे नूं हो जांदी है बड़े बड़े जज वकील विकदे ने। सो 90% दुनिया दीयां अदालतां विच सच्चा न्याय नहीं हुंदा बंदा पक्षपात कर जांदा है जां पैसा वेख के जां रुतबा वेख के। कहिंदे उहदी दरगाह दे विच उहदे दरबार दे विच सच्चा न्याय हुंदा है उदी कलम नूं खरीदिया नहीं जा सकता जो मैं किया सो मैं पाया जैसा करना है वैसा ही भरना है। उत्थे महाराज कहिंदे सचो सच नबेड़ा हुंदा है देर इज अ ट्रू जस्टिस। उत्थे किधरे भी कुफर दी बात नहीं चलेगी उत्थे झूठ नहीं जित सकदा। उहा सम ठाकुर सम चेरा। एक होर गल है दुनियावी अदालत विच वड्डे रुतबे वाले अगे जज भी चुक जांदे ने लोक चुक जांदे ने कहिंदे उहदे दरबार अंदर उहदी दरगाह अंदर जिद्दां दा राजा है उदां दी प्रजा है जिद्दां दा ठाकुर है उदां दा ही चेला है भाव उत्थे सब एक जैसे ही ने करमां दा उत्थे हिसाब होना है। ये नहीं भी तकड़े बंदे दे दबके नूं सुण के रब डर जाएगा ते गरीब दे तरले नूं सुन करके परमेश्वर पसीज जावेगा इदां कुछ नहीं हुंदा। ना तकड़े दा उत्थे जोर चलदा है ते ना गरीब दा तरला। उहदी दरगाह दे विच सारे ही इक समान ने जो असी बीजिया है उहदा फल सानू भुगतना ही पैंदा है। उत्थे चंगा बीजिया होवेगा फल चंगा हासिल होवेगा मंदा बीजिया होवेगा ते उत्थे सजा मिलेगी। सो महाराज कहिंदे ने उत्थे सब नूं इक जैसा समझिया जांदा है। अंतर जामी जाने। एक होर गल है जे असीं झूठ मार भी लईए उहदे सामने भी महाराज मैं ते कर्म कीता ही नहीं है आदत है ना साडी ओले होके जू करदे लोकां तों लोक नहीं जाण पाउंदे पर परमात्मा कहिंदे अंदर दी जानण वाला है उहदा कारण है क्योंकि साडे अंदर उहदी ही जोत है वो हर जरे विच मौजूद है। सो वो साढ़े अंदर दी जानन वाला है। तुसी भावें अपने कुफर नूं सच दा चोला पहना दे उहदी दरगाह दे विच उत्थे सब पाज उदड़ जांदे ने वो जानदा है तेरे अंदर की है। सो महाराज कहिंदे वो दिल दी जानन वाला है कोई भी भेद गुझा नहीं रह सकदा उहदे दरबार विच। सो अगे हुक्म करदे हन बिन बोलत आप पछाणै। अच्छा ना भी तुसी बोलो ना मौन भी धार लवो। महाराज कहिंदे फिर भी वो तुहाडे अंदर कैसे फुरने ने की चल रहा है तुसी कैसे कर्म कीते ने सब जानदा है बिन बोलिया सब किश जानदा उदे पास ऐसी अजमत है ऐसी उदे विच ताकत है। सर्ब थान को राजा। बड़े राजे ने दुनिया दे पर एक हद बंदी है। एक भारत का राजा प्राइम मिनिस्टर उहदी एक हद है अमेरिका दे राजे दी कैनेडा दे राजे दी एक हद है पर जेड़ा परम ईश्वर है सर्ब थान को राजा सारे स्थान ही उहदे ने खंड ब्रह्मांड उहदे ने कोई हद बंदी नहीं है कोई गत उहदी ताकत दी जान नहीं सकता। महाराज कहिंदे कोई उहदी अवध नूं समझ नहीं सकता
सारी दुनिया का ओही राजा है, ओही दुनिया का मालक है, राजियां दा भी ओ राजा है। तह अनहद शब्द अगाजा, जेदे अंदर ओ प्रगट हो जावे, जेड़े ओदे कीर्ति गाउण वाले दरबार दे विच सतसंगत विच बैठ जांदे ने, जेड़े ओदे गीत गाउंदे ने ना, गाउंदियां गाउंदियां कीर्ति करदियां करदियां उन्हां दे हर रोम चो नाम चल पैंदा है। सो महाराज पातशाह कहिंदे ने अनहद शब्द फिर उन्हां दे अंदरों प्रगट हो जांदे ने। हुण देखो तुसीं किसे जगह ते घिओ रख दो, अज भलकी उठा लवो तो थंधाई नहीं होगी, तो छे सत महीने प्यार रवे तो जगह थंधी हो जाती है। सो जिथे नाम चलता रहिंदा है उथे एक रस, महाराज कहिंदे ने नाम ऐसा प्रगट हुंदा है, तुसी सुते हो तुसी जागदे हो, गलुआ बंद पिया है, जुबान नहीं भी चलती तो तुहाडे हर रोम चो नाम चलेगा। गुरमुख रोम रोम हर त्यावै। सो जिन्हां दे अंदर महान राजा अकाल पुरख प्रगट है उन्हां दे अंदर अनहद शब्द चलदे ही रहिंदे हन। तिस पह क्या चतुराई, ओदे दर ते कोई चलाकी नहीं चलदी, दुनियावी चतुराइयां ओदे दर ते कम नहीं आउंदियां। दुनिया नूं बड़ा ठग लैंदे असीं, ओह नहीं ठगिया जांदा, हिसाब बराबर करदा है। मिल नानक आप गवाई, चतुराइयां दा हंकार, रुतबे दा हंकार, जात पात दा हंकार ये फिर ही मिटेगा अगर परमेश्वर दी कृपा होवेगी। ते जिन्हां नूं परमात्मा मिल पैंदा है, जिहड़े परमेश्वर ताईं पहुँच जांदे ने उन्हां दा हंकार मिटदा है, उन्हां दे रोग मिटदे ने, संशय मिटदे ने, शक मिटदे ने, भरम मिटदे ने, चिंतावां मिटदियां ने, डिप्रैशन मुक जांदा है। सो अकाल पुरख दी शरण आके सुखां दी प्राप्ति है, दुख खत्म हो जांदे ने। गुरु अर्जन साहिब ये हुक्म करदे ने अकाल पुरख दी शरण पैणा करो। सो इत्थे दास पाक श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे फुरमान दी व्याख्या दी समाप्ति करदा है। गुरु अर्जन साहिब पातशाह जिन्हां दा ये पाक फुरमान है, अज उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा भी है। आओ बापू दे अगम्मी इतिहास नाल जुड़िए, साडा ये जीवन सफला हो सके। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे गुरु अर्जन साहिब मामूली इंसान नहीं सन, तुहाडे मेरे वर्गे आम इंसान नहीं सन, असंभव उदवेओ पुरख पूर्ण विधातो। महाराज फिर कौन ने गुरु अर्जन साहिब? कहिंदे गुरु अर्जन साहिब ओ है जेड़ा परमेश्वर लोकां विच प्रचलित है, भी अजन्मा है, जमदा नहीं है, जेड़ा परमात्मा पूर्ण है, हर जरे विच सुभायमान है, दुनिया का सिरजनहार है। उही अपनी अजमत लैके गुरु अर्जन साहब के रूप के विच प्रगट होया है, उदय होया है, दुनिया के उत्ते उसका आगाज होया है। हुण भट्ट साहबान सुलझे ने, वड्डे महापुरश ने, वो जानते ने, कई बार फिर बंदा शंका कर लैंदा है भी शायद गुरु अर्जन साहब आम इंसान होण। ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਲਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਾਰੂਪੀ ਰਹਿਓ, ਪਰ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਚੋਲਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ऐसी बुलंद हस्ती दे मालक ने अपने जीवन काल दे विच साड़ी झोली अकाल पुरख दे पाक बोल पौने कीते गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप विच। इत्थे रामसर 1661 बिक्रमी संमत जी महाराज ने यह बाणी भाई गुरदास जी कोलों लिखवाई। ये पाक हरिमंदर साहब का स्थान महाराज ने साड़ी झोली पाया, जिहदे बारे बाणी कहिंदी है डिठै सबै ताव नहीं तुद जिहिआ। ये तरन तरन साहब का पाक दरबार साड़ी झोली पाया। दुनिया दे विच बड़ियां कुरीतियां चल रही सन, उन्हां दा खुरा खोज मिटाया। गुरु नानक साहब दे अगम्मी तख्त दे पनवें वारस और उस खुद खुदा दे रूप गुरु अर्जन साहब जेड़ा पहला गुरु रामदास महाराज दे रूप च मौजूद है। पुछो बाणी नू गुरु रामदास कौन है, पता की कहिंदे ने? गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे ने पूरी होई करामात आप सिरजन हारै धारिया। ये वो भी ध्यान नाल सुनन श्रवणा नू खोल के, जेड़े कहिंदे सिखी विच करामात है नहीं है, ये सुनिया सुनाइया गल्लां ने। ऐस ज्ञानी ने कहता जी करामात है नहीं, ऐस ज्ञानी ने कह दिता। मैं पूछा भी लिखिया कित्थे है बाणी विच करामात है नहीं है, फिर कुछ नहीं लभदा इन्हां नू। रब दा वास्ता ही कुफर ना तोलिया कर, सिखी खलोती ही करामात दे सिर ते है। आ जिहड़ा दिहाड़ा अज आपां मना रहे हैं, इदों वड्डी किहड़ी करामात है तत्ती तवी ते बह के भी साडा बापू गुरु अर्जन ठंडा रहिंदा है। ते जे करामात नहीं चंगी लगदी ते पंक्तियां कढ दिओ बाणी च, पूरी होई करामात आप सिरजन हर है धारिया, धन धन राम दास गुरजन सिरिया तिने सवारिया। कहिंदे अकाल पुरख ने एक मुजस्मा तैयार किया और उस मुजस्मे नू पाक शरीर नू आप धारिया। आम शरीरां वर्गा शरीर नहीं सी, ये वो शरीर सी जिहदे विच परमेश्वर पूरी करामात लै के बैठे हुए सन। ऐसे गुरु रामदास दी झोली विच गोद विच खेडण वाला साडा बापू गुरु अर्जन साहिब सच्चा पातशाह। जीवन काल समुची कायनात नू बड़ियां दातां उसने वंडियां ने, फिर उन्हें महान शहादत दी अवधि नू वी माणिया है। शहीदी नू गुरु पातशाह ने होर चार चन्न लाए ने। इस शहीद लफ्ज़ दा वजूद जो कुरान तो हदीस तो प्रगट है, महाराज पातशाह शहादत की अवधि माणदे ने। यह जिहड़ा शहीद लफ्ज़ है इहदे वल ध्यान दिओ, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दो वार आया है। गुरु नानक साहिब पातशाह कहिंदे ने पीर पैगंबर सालक साधक सोहदे और शहीद, इत्थे शहीद लफ्ज़ आया है। एक जगह बाबा रविदास जी महाराज दे बोल ने ईद, उथे ओ महापुरश कहिंदे ने जाकै ईद बकरीद कुल गौरे बद कर है मानिय है शेख शहीद पीरा। सो ये दो बार बाणी दे विच लफ्ज़ आया है। ते भाई गुरदास जी ने भी इहदा जिक्र कीता है, मुर्दा होए मरीद ना गली होवना साबर सिदक शहीद भरम पौ खोवना। अच्छा ये लफ्ज़ ना हिंदी का है ना गुरमुखी का है, भारत वर्ष के अंदर किसी भी लैंग्वेज में ये लफ्ज़ प्रगट नहीं होया। कुरान में आएगा जां हदीसां दे विच आउंदा है शहीद लफ्ज़। हदीस अरबी का लफ्ज़ है, भाव हुंदा है गलबात। खास करके हदीस लफ्ज़ वरत्या जाता है पैगंबर साहिब नाल संबंध रखण वाली बात। हदीस का भाव है मुहम्मद साहिब दे कथन बातां जिन्हां दे अनुसार साढ़े मुसलमान वीर जीवन बतीत करते ने। धर्म व्यवस्था दे बचन बाणी विच भी यह हदीस लफ्ज़ आउंदा है, ना पाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा। इउं समझ लो हदीस का मतलब है
जिमें साडे सिखां अंदर रहतनामे ने ना इस्लाम जगत की रहत नूं हदीस कहिंदे ने। हुण साडे कोल धार्मिक पाक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने, दसम ग्रंथ साहिब ने, सरबलोह की बाणी है, भाई गुरदास भाई नंद लाल की बाणी है, तो साडा जीवन जिहड़ा है वह रहतनाम्या दे अकॉर्डिंग चाहीदा है, वह वख पुस्तकां ने। इदां ही हिंदू वीरां च धार्मिक ग्रंथ वेद ने, गीता है, शास्त्रां अनुसार वह जीवन बतीत करते ने, वखरे ग्रंथ ने। इदां ही इस्लाम जगत विच पाक ग्रंथ कुरान है, तो जीवन बतीत वह हदीसां दे अकॉर्डिंग करते ने। सो शहीद लफ्ज़ इस्लाम जगत का है, जदों महमूद गजनवी 1001 विच भारत आउंदा है नाल ही कुरान आ जाती है, नाल ही ये लफ्ज़ आ जाता है। उदे बाद ये लफ्ज़ गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह पाक बाणी विच आउंदा है, फिर उदे बाद भाई गुरदास जी की बाणी विच आउंदा है, इस तरह गां चलो होरां पुस्तकां विच भी आ गया होवेगा, पहला किधरे नहीं सी। शहीद का मतलब है गवाह, सच्ची गवाही देण वाला, शहादत देण वाला। धर्म युद्ध विच जिसने जीवन दाते लाया है, जो दीन दी खातर सिर दिंदा है, जो खुदा दे दरबार विच सच बोलदा है, सो बेअंत अर्थ ने शहीद दे। शहीद है गवाही देण वाला, ते शहादत है गवाही देनी, दीन दी खातर सिर देना। सो इस्लाम धर्म तो इस लफ्ज़ की शुरुआत हुई। इस लफ्ज़ की वड्याई अगर ध्यान नाल वेखिए उन्नी इस्लाम जगत करके नहीं वधी जिन्नी सिख जगत करके वधी है। 10 लाख दे इर्द गिर्द कुर्बानियां ने सिख जगत दे अंदर, इंसानियत की खातर, देश की खातर, दीन की खातर, लोकाई की खातर। इउं पिया जापदा है भी शहीद लफ्ज़ साडा ही है, होर किसी कौम लई इह बणिया ही नहीं है। शहीदी दे कारण की ने गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी दे, मैं मुख कारण तो शुरू करदा है। ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर दी, तुजके जहांगीरी। तुजके जहांगीरी दे विच जहांगीर ये गल आप लिखदा है, जदों तुसी सिख जगत दे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हो ना, पंथ प्रकाश आदिक उन्हां विच भी ये तुजके जहांगीरी बाबत लिखिया भी इदां दा बड़ा कुछ जहांगीर ने उत्थे कहा है। कहिंदा जिहड़ा गोइंदवाल है ना दरियाए ब्यास दे कंडे उत्ते, उस शहर दे विच एक अर्जन नामी हिंदू रहिंदा है, उहदे बोल ने ए, उत्थे इसदी रहायश है। पीर ते शैखी दे भेस विच रहिंदा है, पीर अखवाउंदा है, गुरु अखवाउंदा है। सीधे साधे हिंदू इहदे पिछे लगे हुए ने, मूर्ख बने हुए ने। इत्थे ही बस नहीं, कुछ जिहड़े मुसलमान ने बेअकल वह भी इहदे चेले बने हुए ने। इहनू लोग गुरु कहिंदे ने। वो अगे लिखदा है सभना पासियां तों झूठ दे पुजारियां दे टोले आउंदे ने इहदे कोल इकट्ठे होके, रौनक लगी रहिंदी है उहदे दर उत्ते, उहदे ते भरोसा पूरा रखदे ने इह लोक। कहिंदा 3-4 पुश्तां तों उसदी जिहड़ी दुकान सी ना बड़ी गर्म चल रही सी, भाव पिछलियां गुरुआं दी गल करदा है। सो कहिंदा इह जिहड़ी दुकान सी ना इहनूं दूर करन लई, दीने इस्लाम दी जमात विच लिआउण दे लई मैं बड़े चिर तों ही सोच रिहा सी। सो पहला कारण तो यह है भी गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह दी ऐसी कृपा होई, भारत वर्ष विच सिख जगत दा जेड़ा बगीचा है वह बड़ा प्रफुल्लित होया, बड़े बड़े मुसलमान वीर सिख बनन लगे, हिंदू सिख बनन लगे। हुण जिहड़े बड़े कट्टड़ इस्लाम दे धारनी ने जां पैरोकर सन, प्रचारक सन, उन्हां जहांगीर दे बड़े कन्न भरे भी इस्लाम नूं खतरा है गुरु अर्जन तों
इहदा खुरा खोज मिटा देना चाहीदा है। सो ऐसे लोग उहदे कन्न भरदे रहिंदे सन, इह मुख कारण है। सिखी दी चढ़दी कला ना जरी गई जहांगीर दे कोलों, उहनूं इक बहाना मिलदा है। वह तुसके जहांगीरी विच लिखदा है भी उहनां दिनां विच ना कहिंदा मेरा जिहड़ा शहजादा खुसरो है उन्हें तख्त मलण दे लई मेरे उल्ट बगावत कीती सी। कहिंदा वह भजदा होया दौड़दा होया जदों इथों लंघिया ना गोइंदवाल तो वह गुरु अर्जन साहब नूं मिलदा है, ते जो मेरे कन्नी खबर पई है गुरु अर्जन ने उहदे मथे ते केसर दा टिक्का लाया, तिलक लाउणा कीता है, आशीर्वाद दिता है। जदों ये खबर कहिंदा मेरे कन्नां विच पई ना, ते कहिंदा मैं फिर एक हुक्म लागू कीता है मुर्तजा खान नूं। ये कहिंदा मैं जिम्मेवारी दित्ती गुरु अर्जन नूं, गिरफ्त विच लै के मुर्तजा खान दे हवाले कीता, मैं हुक्म कीता इहदे परिवार नूं बंदी बना लिया जावे, इहदी जायदाद जब्त कर ली जावे, इहनूं मौत दी सज़ा दित्ती जावे। सो मुख कारण ते आ ए। वैसे जिहड़ी तुज़के जहांगीरी है ना, मैमरीज ऑफ जहांगीर, ये इंग्लिश दे विच भी ट्रांसलेट कीती अलैगजेंडर रॉजर्स, उहदा नाम है विद्वान दा, मैं उहदी ये पुस्तक पढ़ी है 72-73 पेज दे उत्ते ना, उन्हें अर्जन दा सिख लीडर ये लफ्ज लिखे ने, उहदे थले ये सारा बचन बिलास लिखिया है गुरु अर्जन साहिब बाबत। उन्हें लफ्ज उत्थे गोबिंदवाल वरते ने, कहिंदा इन गोबिंदवाल विच इज ऑन द रिवर ऑफ ब्यास देर वॉज अ हिंदू नेम्ड अर्जन। उन्हें हिंदू लिखिया महाराज नूं, हरे के गुरु अर्जन साहब ने साफ किया ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, असी सिख हाँ, ना असी गायत्री पढ़ते ना कलमा पढ़ते हैं, साडा धर्म वखरा है। खैर बहुते हिंदू श्रद्धालु सन महाराज दे, इस करके लफ्ज वरतदा है। खैर वह कहिंदा मैनू मौका मिल गया खुसरो दे बागी होण कारण ये गुरु अर्जन ते इल्जाम लग गया भी इन्हें उहदी मदद कीती है, देश दे बागी दा पक्ष लिया है, जिस करके मौत दी सज़ा मैं सुनाई है। देखो ये भी पक्ष है, इन्नी चढ़दी कला हो गई सी सिखी दी उस समय, इस्लाम जगत दा मुख प्रचारक सी साई मियां मीर, उन्हें कुरान दे नाल नाल गुरु अर्जन साहब दी पाक बाणी सुखमणी सुननी शुरू कर दित्ती सी, वह गुरु का सेवक बन गया सी। इस गल तो भी जहांगीर ते उहदे चेले चापटे बड़े तत्ते सन भी एडा वड्डा महापुरश जिहदा सेवक बन गया दूसरे मुसलमाना दा की बनेगा। समझ आ गई सी उस साई मियां मीर नूं, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। गुरु अर्जन साहब तो वड्डा कोई नहीं है, रोगां सोगां तो 84 दे गेड़ तो नजात दवाउण वाले ने। सो वह भी महाराज का सेवक बन गया। खैर जिहड़ी बागी खुसरो की मदद की गल है, पहली गल तो बहुते जिहड़े इतिहासकार ने वह कहिंदे ने खुसरो गुरु अर्जन साहब नूं मिलिया ही नहीं है, ते जे वह मिलिया भी है गुरु की शरण विच आया भी है ते सिख जगत का सिद्धांत है जो सरनी आवै सर्ब सुख पावै तिल नहीं भन्नै कालिया, जिहड़ा गुरु की शरण विच आया है जो सरणे आवै तिस कंठ लावै, सिखी का सिद्धांत है। जे खुसरो लोड़वंद है कोई दुखिया है आके लंगर छक लैंदा है ते इच गुनाह कोई नहीं है, गुरु सारिआं नूं इक नज़र नाल वेखदा है। पर जिहड़ी तिलक लाउण वाली बात है ना, यह झूठी घड़ी गई है, गुरु साहब ने इस नूं कोई तिलक नहीं लाया। होया इस तरह सी भी ये जहांगीर बड़ा अयाश राजा सी, शराब दे नशे विच चूर रहिंदा सी। खुसरो ने कहा पिता जी राजभाग की जिम्मेवारी मैनू सौंप दिओ, राजभाग ठीक नहीं चल रहा। ये बोल उन्हूं ना पाए, उन्हूं पकड़ना चाहिया,
खुसरो बागी हो गया ते अखीर समा आया खुसरो नू गिरफ्तार कीता जांदा है। बहुता समा ये दौड़ ना सकिया, जदों बहुता समा ये दौड़ ना सकिया उत्थे इतिहास दे विच ये जिक्र आउंदा है जिन्ना जिन्ना ने इनू पकड़न विच सहायता कीती सी उन्हां नू जहांगीर वल्लों बड़े बड़े खिताब बख्शे गए, इनाम दिते गए, जिन्हां ने इहदा पक्ष लिया सी उन्हां नू सजावां दित्तियां गईयां। सो पहला पक्ष ये समझियो, सिख धर्म का बूटा वध फुल रहा सी, ना पाया जहांगीर नू, उसने इस नू कटना चाहिया, बहाना बना लिया, खुसरो बागी है उहदी मदद कीती है गुरु घर ने। दूसरा पक्ष ये है भी इस्लाम जगत की बी टीम समझ लो, इस्लाम का प्रचार वड्डे पद्धर ते करन वाला एक मत सी नक्शबंदी मत उहनूं कहिंदे ने। जे उहदे इतिहास विच डुंघाई विच जाइए, बहाउद्दीन नक्शबंद एक पुरश होया है, बुखारी भी कह देंदे ने उसनूं, ही वॉज द फाउंडर ऑफ नक्शबंद मत, उन्हें शुरू किया इस मत को। वेखो गुरु का सुभा तो है निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, किसी ना वैर नहीं कमाता, पर नक्शबंद मत वालिया ने सोचा भी सिखी बड़ी प्रफुल्लित हो रही है, साढ़े मत को लोग मन नहीं रहे, जे गुरु अर्जन साहब जिंदा रह गए तो साड़िया जमातं खत्म हो जाएगियां, इनू खत्म करना चाहिए है। सो इन्हां लोकां ने भी जहांगीर दे बड़े कन्न भरे सन, बड़ा चुकिया सी गुरु अर्जन साहब जी दे खिलाफ। शेख अहमद सरहंदी होया है एक, ये जहांगीर दे बड़ा नेड़े सी, इन्हें भी जहांगीर दे बड़े कन्न भरे सन, ये नक्शबंद मत दा दूसरा मुखी सी, इहदा एक चेला सी शेख फरीद बुखारी, उहदे राहीं भी ये कन्न भरदा रहिंदा सी जहांगीर दे उहदे दरबारियां दे, कहिंदा जे गुरु अर्जन साहब रह गए ते इस्लाम नूं बड़ा खतरा है। इहदे बाद एक जिक्र आउंदा है जिन्हां नूं तुसीं चंगी तरह जाणदे हो, सखी सरवर मत। तीसरा पक्ष मैं ये समझदा हाँ गुरु साहब की शहीदी विच जिन्हां दा रोल है, ये भी अहम कारण सी, ये भी इस्लाम की बी कला सी, ये भी इस्लाम नूं बड़ा प्रगट कर रहे सन। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਜੈਨੁਲ ਅਬਦੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾਈ ਆਇਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ एक बच्चा पैदा हुंदा है, सैयद अहमद सुल्तान उहदा नाम है, उन्हू सखी सरवर कहिंदे सन। यह बड़ी पुरानी गल है, यह 11वीं 12वीं सदी की गल है। सो यह जन्म लैंदा है, इन्हें रहायश पाकिस्तान दे विच डेरा गाजी खां जिहड़ा है ना उत्थों दे एक पिंड नगाहा विखे रखी सी, तां ही इहनू नगाहे वाला पीर भी कहिंदे ने। आ जिहड़े पंजाब विच आपां है ना जिथे इन्हां दीआं कबरां बणियां, इत्थे ते आया भी नहीं उह पुरश। खैर उह लोक कहिंदे ने बंदगी वाला सी, इहनूं लालां वाला पीर भी कह दिंदे ने, इहनूं लखदाता भी कह दिंदे ने, सारे नाम ही उसे दे ने। और इह जिहड़ा पुरश सी इह उसे समें दरम्यान ही थोड़ी उम्र भोग के ही अकाल चलाणा कर जांदा है। इन्हां दा बड़ा जोर सी गुरु अर्जन साहब दे समय 1663 बिक्रमी संबत दे समय, पर गुरु अर्जन साहब ने ऐसा सिखी दा प्रचार प्रसार कीता, पंजाब दे विच एक वड्डा केंद्र सी सखी सरवरां दा। हुशियारपुर दा इलाका है, पिंड कंगमा ही उह नां है नगर दा। इत्थों दा जिहड़ा भाई मंझ है जो सखी सरवरां दी संगत इकट्ठी करके निगाहे लिजाया करदा सी, गुरु अर्जन साहब के दर्शन करके अमृतसर साहब गुरु अर्जन साहब का सिख बन गया। इन्हें अपने पिंड ये जिहड़ा कबरां वाला सारा सिस्टम सी ना उन्हूं ढा दिता, ये राजपूत सी,
नाम इहदा असल चौधरी तीर्था है, गोते दी मंझ सी और ये आगू सी मंझ गोत दे विच, चंद्रवंशी राजपूतां चों ये गिणे जांदे ने, मंझ कलैन दा ये आगू सी। सो ये महाराज दा सिख बनदा है, बनेगा भी क्यों नहीं, कहिंदे जिहड़ा गुरु साहिब दे दर्शन कर लैंदा है, दिदारे कर लैंदा है, कबीर जी महाराज दे बोल ने मंझ प्यारा गुरु नू गुरमंझ प्यारा मंझ गुरु का बोहेता जग लंघन हारा ऐसी बख्शिश कर दिती। कहिंदे मंझ तू आप ते मुगता है, तू ऐसा गुरु का जहाज है जेड़ा तेरी संगत करेगा वह भी पार हो जाएगा। खैर सखी सरवरा ने वड्डी चोट समझी अपने मत ते, इन्हां लोकां वी बड़े कन्न भरे जहांगीर दे, उहदे दरबारियां दे गुरु नूं खत्म करो। चौथा कारण मैं गिणदा है चंदू दी कुड़ी दा रिश्ता। गुरु हरगोबिंद साहिब जवानी विच कदम रखण वाले ने, रिश्ता लभिया जा रहा है, उधर चंदू रिश्ता लभ रहा लड़की दे लई। उहनूं दस पाई गई भी गुरु हरगोबिंद साहिब बड़े गांडीव सूरमे ने, गुरु अर्जन साहिब दे लखते जिगर ने, उन्हां नाल तेरी लड़की का रिश्ता कर आया मैं। हंकार विच चंदू कहिंदा ओए किथे असीं चुबारे वाले, किथे ओ कच्चियां कंधां वाले, किथे एक कंध दी मोरी ते किथे चुबारा, ये किथे रिश्ता जोड़ आया। चल खैर जो होया सो होया, हंकार विच आ गया। गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे हंकार रब नूं नहीं पाउंदा, हंकार ही जूना दा कारण है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हंकार ही पापी बनाउंदा है, हंकार ही जूना विच लैके आउंदा है। हर जीओ हंकार ना भावई वेद कूक सुनावै। महाराज नूं लाहौर दियां संगतां ने कह दिता, महाराजे ने गुरु घर नूं मोरी आख्या, अपने आप नूं चुबारा, ये रिश्ता नहीं लैणा। गुरु अर्जन साहिब ने मना कर दिता। ये चाहे सुलही खान है, चाहे सुलभी खान है, चाहे चंदू है, ये सारे ही पृथ्वी चंद के यार सन, जो गुरु अर्जन साहब का शरीक सी, इन्हां सारिआं ही वैर कमाया सी। इहदे बाद पंजवां कारण है कुछ कवि जन, जदों गुरु अर्जन साहब रामसर बैठे भाई गुरदास तों आदि ग्रंथ साहब की बाणी लिखवा रहे ने, ते अपनियां पाक रचनावां लैके आए, जिन्ना रचनावां विच अकाल पुरख की उस्तत सी वह गुरु अर्जन साहब ने प्रवान कर लईआं, जिन्ना रचनावां विच कवियां ने अपनी वड्याई लिखी सी वह महाराज ने प्रवान ना कीतियां। वह कुछ कवि गुस्से होकर मुड़ गए भी साडियां रचनावां प्रवान नहीं कीतियां तुसीं। वेखो महाराज ने एक कसवट ही रखी सी, सतगुर की बाणी सत सत कर जाणहो, गुर सिख हो हर करता आप मोह हो कढाए। सतगुरु अकाल पुरख का स्वरूप ने, जो गुरु गलुए चों कढ़दे ने ओ अकाल पुरख की बाणी है। जैसी मैं आवै खसम की बाणी हाँ, आपो बोल ना जानदा, मैं कहया सब हुकमाओ जियो, जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहे हो जग माहे। अकाल पुरख की वड्याई दे बोल ही बाणी विच दर्ज होने सन। महाराज ने कुछ भगतां की बाणी दर्ज ना कीती। भाई नंद लाल ने बड़ा सुंदर लिखिया, कहिंदा गुरु अर्जन नूं अकाल पुरख वल्लों बाणी प्रगट है, अजो नजम काले हक अंदेसेरा बदो नसक इलमे यकीन पेशेरा। फारसी दे बोल ने भाई नंद लाल दे, कहिंदे अकाल पुरख वल्लों बाणी आई है जिहदा प्रबंध गुरु अर्जन साहब ने कीता है। रबी ज्ञान सिदक ये सारा काम काज ये सांभण वाला गुरु अर्जन है, वह खजाना है बाणी का। खैर आदि ग्रंथ साहब की बीड़ तैयार हुई, एक भगत सी काना, एक पीलू, एक शजू ते हसन, ये जड़े सी ना ये रुस के चले गए। इन्हां जहांगीर दे दरबारियां दे कन्न भरे, जहांगीर तक पहुँच बनाई वो कन्न भरे जी। वेखो मुहम्मद साहब की वड्याई नहीं लिखी ग्रंथ विच, इस्लाम की तौहीन की है,
सिफ तो सलाह नहीं की, ऐसे भद्दे बोल के राजे भी कन्ना दे कच्चे होंदे ने। ये सारे कारण बने, मुख कारण ईरखा जो जहांगीर करता है सिख जगत नाल, अज कतल का हुक्म किया जाता है। जदों इसने कतल का हुक्म किया ना, फतवा लाया गया देश के दे बागी खुसरो की मदद की है, सो इसनू सजाए मौत दिती जाएगी। फतवा लाया गया, फारसी दे बोल ने इं फतवा जारी हुंदा है, फरमूदम के ऊरा बास्यास तो यसा रसानंद। फरमाया गया कहिंदे इस गुरु अर्जन नू स्यास्त अते यासा दे कानून तहत कतल कीता जावेगा। अमर करदम हुक्म कर दिता इनू कतल कीता जावेगा, स्यास्त बा यासा दी धारा लाई जावेगी। ये धारा की है माड़ा जिहा ध्यान दिओ, तुहानूं फिर समझ लगेगी क्यों महाराज नू तवी ते बाया गया, क्यों साड़िया गया, क्यों देग विच उबालिया गया। एक चंगेज़ खान होया है, ही वॉज फ्रॉम शैमिनिज़म, शैमिनिज़म धर्म सी उहदा, मंगोलीयन सी उह। हुण जिहड़े शैमियन लोग ने ना, उह भूतां प्रेतां च बड़ा ध्यान लाउंदे ने, भूतां प्रेतां नू मानदे ने। इट्स अ रिलीजियस प्रैक्टिस दैट इनवॉल्वस अ प्रैक्टिशनर हू इज़ बिलीव्ड टू इंटरैक्ट विद द स्पिरिट। भूतां प्रेतां नाल बड़ी सांझ पाउंदे ने ओह लोग, कहिंदे ने उहनां दा विश्वास है वी जे धर्मी पुरश दा कतल करना उहदे लहू दा कतरा जमीन ते ना डुले। अगर उहदे लहू दा कतरा जमीन ते डुलिया ना, उहदे विच्चों ऐसियां रूहां पैदा होणगियां जो जुल्म करन वाले नूं सताउणगियां, उहदा खुरा खोज मिटाउणगियां। जे धर्मी बंदे दा कतल करना उहदा लहू साड़ दिओ, उहदा खात्मा इस तरह करो। सो यह तय होया भी सियासत अते यासा दे तहत इसनू कतल किया जाए। इसे कारण ही जदों मुर्तजा खान दे कोल जहांगीर ने गुरु अर्जन साहब नू छड़ दिता, इनू सजाए मौत दिती है, उत्थों चंदू दे नाल रल के मुर्तजा खान ने पाप कमाया है। चंदू की हवेली विच पातशाह कैद ने, उबलदी देग विच बिठाया गया, शर्त रखी सी कलमा पढ़ लवो नहीं तो सड़न लई तैयार हो जावो। महाराज कहिंदे झुकना नहीं है, खुदाया ने जिस धर्म विच प्रगट कीता है मोती उथे ही परोया शोभदा है जिथे घड़न वाला परो दिंदा है। जिस धर्म विच प्रगट हाँ उसे नाल ही निभाउणी है। दीन दी खातर सिर देना कबूल है, पर झुकांगा नहीं, कलमा नहीं पढ़ांगा, मैं खुदा दे गीत गाउण वाला हाँ। फिर कह दवां ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह हराम के पिंड प्राण, एक अल्लाह दे पुजारी हाँ, खुदा दे पुजारी हाँ, होर किधरे भी सिर नहीं झुकदा साडा। सजा कबूल है, उबलदी देग विच उबालिया गया, पातशाह सी नहीं करदे। उहदे बाद महाराज नूं आ दिन ने, अज दा दिहाड़ा है, तत्ती तवी बिठाउंदे ने। तवी भी तत्ती है, तत्ती लू वगदी है, सिर विच पाक सीस विच तत्ता रेता पाया बापू दे। तेड़ केवल कशहरा ही है, बस्तर लवाए हुए ने, दस्तार लवाई हुई है, तपदी हुई तवी ते बैठे ने। तत्ती तवी है, तत्ता चंदू है, जहांगीर मुर्तजा खान भी तत्ता है, लकड़ां तत्तियां ने, जेठ हाड़ दी लो भी तत्ती है, जे कोई बर्फ वांगू ठंडा है तो वह जेरिया का मालक खुद खुदा गुरु अर्जन साहब ठंडा होया बैठा है। देग विच उबाल के तत्ती तवी ते बिठा के लहू साड़िया गया, लहू नू सुका दिता गया। साईं मियां मीर भी हाथ जोड़दा है, देखो अध्यात्मक पक्ष तो वह गुरु सी सलाम जगत दे विच। वैसे तो किसी नू मिल नहीं सी दिता जांदा हवेली अंदर, चंदू दा जोर सी, पर वह अपनी बरकत नाल ताकत नाल अपने रुतबे दे कारण गुरु अर्जन साहब नू मिलिया मियाँ मीर। कृपा करो दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का दिया निरवैर गुरु नू सजा दे रहे ने। बापू साईं मियाँ मीर नू कहिंदा, साईं मियाँ मीर जी इस गल दा ख्याल रखियो, अजमतां विच शरसार हाँ मैं,
अजमतां दा मालक हाँ मैं। ये गल्लां भाई पिराणा भी कहिंदा सी, दिल्ली लाहौर की टनाली खड़का दें, साडा बापू गुरु अर्जन साहब कहिंदा उह ताकत लई कित्थों है, कहिंदा जी तुहाडे कोलों। ते गुरु साहब कहिंदे गुरु समुंद नदी सब सिखी ओ सिखा, एक नदी हो के उछल रहा है, तेरे वर्गियां लखा नदियां समुंदर गुरु विच समाइया ने, गुरु ते उछलदा नहीं है। भाणा मनना है, इदों वड्डी केड़ी अजमत है, इदों वड्डी केड़ी ताकत है भी तत्ती तवी ते भी खिड़े मथे बैठे रहना, अकाल पुरख दे छावें सिर झुका के बैठे रहना, उहदे हुक्म नूं लायक सपुत्र की तरह मन के दर्शा देना। पिता ते प्यो की अजमत एक है, साईं मियां मीर जी साडा ते सुभा है तेरा किया, मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगै, उहदे भाणे नूं मिठा करके ही मनना है। अखीर बापू की शहादत हुंदी है, उहनां दा पाक जिहड़ा शरीर है वह दरिया दे विच पैंदा है। महाराज शहादत की अवधि नूं माणदे ने 1663 बिक्रमी संमत जेठ सुदी चौथ नूं बापू रावी दे कंडे लाहौर शहादत की अवधि माण गए, दीन दी खातर सिर वारिया। मैं बचन कह के फतेह बुलावां, सिखा धर्म लई इंसानियत लई सच लई गुरु साहब सिर दे गए। और इस गल का ख्याल रखी, गुरु अजमतां दा मालक है, बरकतां दा मालक है, जे शक्ति दिखा के अग बुझा दिंदा, सीत कर दिंदा अग नूं, ते असीं कहना सी इहदे जादूगरां दी खेड है। आम ही जादूगर तुसीं वेख्या गलियां मुहल्लियां विच अग बुझा दिंदे ने, कदे मूँह चों अग कढ़दे ने, लोकां कहना सी तुहाडा गुरु अर्जन अग तों डर गया। गुरु दी ही अजमत है, कुल कायनात दा खसम हुंदिया होया भी, गुर अर्जन प्रतक हर हुंदिया होया भी, उस तत्ती तवी ते बैठा ऐन मन करके शांत है, ठंडा होया बैठा है। ऐसे खुद खुदा गुरु अर्जन साहब दी वड्याई कहण कथन तो बारी है। शहादत दी अवधि माणी गुरु हरगोबिंद साहब छठम पीर बैठा गुर भारी, गुरु तख्त दे छेवें वारस बने, जिन्हां ने जहांगीर दे लखते जिगर शाहजहान पासों चार जंगा भी जितियां, चंदू नूं नत्थ पा के सजा भी दित्ती, उहदा खुरा खोज भी मिटाया, जिन्हां दे चरणा विच जहांगीर ने चंदू नूं हाजर करके आप खिमा जाचना कीती, महाराज मेरे इन्हां कन्न भरे पाक रूह नूं गुरु अर्जन साहब नूं मेरे हुक्म विच सजा होई है, मैनूं खिमा कर दिओ। ते गुरु दा सुभा की है, फिर पढ़ दिओ, जो सरणे आवै तिस कंठ लावै, गुरु सदा ही बख्शेंदा। ऐसे मेरे गुरु अर्जन साहब महान ने, अंत ना पावत देव सवै मुन इंद्र महासिव जोग करी, फुन बेद बेरंच विचार रहे हो हर जाप ना छाड्यो एक घरी, मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जग तारन को गुर जोत अर्जन माहे तरी। उहदा अंत नहीं गुरु अर्जन का पाया जा सकता, जो गुरु रामदास का पंजवां जामा है। ऐसे दीन दुनिया के मालक की वड्याई कहनी कथनी तो बार है। भुल चुक दी खिमा, सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी हुणा दा धन्नवाद, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद, गुरु के समूह वजीरां दा धन्नवाद, सेवादारां दा धन्नवाद। खंडे दी पौल छको, गुरु वाले बणो। आपाक बाणी दीआं दो पंक्तियां पढ़ के आओ, फतेह गजाउंदे हां जी। सर्ब थान को राजा तह अन हद शब्द अगाजा, तिस पह क्या चतुराई, मिल नानक आप गवाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो, ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।